दोस्तों, मैं ओम प्रकाश। आप लोगों को आज YouTube चैनल के माध्यम से नूरजहां का दूसरा चरण, मैं दूसरा पार्ट बता रहा हूँ। देखिए, नूरजहां की माता का नाम था असमत बेगम। असमत बेगम, इन्होंने इत्र का खोज किया था। इत्र की खोज करने वाली महिला प्रथम असमत बेगम ही थी। नूरजहां की माँ ही थी जो इत्र की खोज की थी। इनका नाम था असमत बेगम। नूरजहां के पिता का नाम था ग्यास बेग। इनके पिता का नाम था। और ग्यास बेग को जहांगीर ने इत्माद दौला दौला का उपाधि दिया था। जहांगीर ने नूरजहां के पिता ग्यास बेग को एक उपाधि दिया था, इत्माद दौला। ठीक है। नूरजहां के भाई का नाम था आसफ खां। यही आसफ खां की पुत्री थी मुमताज बेगम, जो खुर्रम से विवाह हुआ था। ये खुर्रम के ससुर थे। खुर्रम के ससुर थे आसफ खां, और नूरजहां के भाई थे। नूरजहां के दामाद, जो दामाद था, शहरयार था, जो दासी रखेल थी जहांगीर के, उसका ये पुत्र था शहरयार, और नूरजहां का दामाद बना। ठीक। नूरजहां के जो पहले पति थे, उसका नाम था अली कुली खां। यह पहला पति था नूरजहां का। बाद में जहांगीर बना, लेकिन पहला पति यही था, अली कुली था। और इसी का बेटी थी जो नूरजहां की पुत्री कही जाती है, लाडली बेगम। ध्यान सुनिए, ये संबंधित बातें हैं उनके परिवार का, कि माता का नाम असमत बेगम, पिता का नाम ग्यास बेग, भाई का नाम आसफ खां, दामाद था शहरयार, पति थे अली कुली और पुत्री थी लाडली बेगम। ठीक। यही लाडली बेगम का विवाह शहरयार से होता है। ठीक है। आगे देखिए, नूरजहां के गुट बहुत इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है कि नूरजहां के गुट में कौन शामिल था और कौन नहीं शामिल था। तो नूरजहां के गुट में जहांगीर शामिल नहीं था, परवेज शामिल नहीं था, लेकिन नूरजहां की माता थी, माँ भी थी। नूरजहां का भाई आसफ खां भी था। और कई लोग ऐसे थे जो नूरजहां के गुट में शामिल थे, लेकिन जहांगीर महावत खां, परवेज, ये नूरजहां के गुट में शामिल नहीं थे, लेकिन नूरजहां के गुट में ये सब शामिल थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा।
जहांगीर के 12 आदेश थे। जहांगीर के आदेश कुल 12 था, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहांगीर ने कितना आदेश बनाया था? 12। न्याय के 12 आदेश दिया था। विकल्प आपको दिया रहेगा 12, 13, 14, 15, लेकिन 12 ही सही है। और 12 आदेश में जो 10वां आदेश था, 10 नंबर का जो आदेश था, वह न्याय का जंजीर था। न्याय का जंजीर था, इसी कहते हैं घंटी। न्याय का जंजीर या घंटी जो सोने का बनाकर बना था, उसको हिलाते थे, न्याय आपको मिलता था। न्याय का जंजीर इसीलिए कहा जाता था। यह 12 आदेशों में 10वां नंबर जो न्याय था, वह जंजीर या घंटी था, जहांगीर का। एक क्वेश्चन और सुनिए। नूरजहां और जहांगीर दोनों को कौन बंदी बनाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नूरजहां और जहांगीर को बंदी बनाने वाला खुद जहांगीर का सेनापति था, उसका नाम था महावत खां। महावत खां, महावत खां ये जहांगीर का सेनापति था। तुर्की नहीं आती थी भाषा नूरजहां को, इसके वजह से लाभ उठाने के कारण जहांगीर और नूरजहां को बंदी बना लिया था ये महावत खां। बहुत ही पारे क्वेश्चन ध्यान सुनिए। आपको इस वीडियो में एक कम समय में आपको जो दिया हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा और नोट करके रख लीजिएगा। अगला वीडियो आपको अगले वीडियो में दे रहा हूँ। धन्यवाद।